कुछ वर्षों से चलाई जा रही इंदिरा अम्मा भोजनालय योजनाओं से लोगों को शुद्ध व सस्ता भोजन उपलब्ध हो रहा था, परंतु कालाढूंगी में इस योजना से खुले भोजनालय को बंद हुए 2 महीने हो चुके हैं, जिससे इस भोजनालय पर भोजन करने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि भोजनालय संचालक नीमा पांडे ने बताया कि भोजनालय संचालित करने के लिए ब्लॉक से आर्थिक सहायता प्राप्त होती है, तब जाकर ग्राहक को 20 रुपए मात्र में भोजन थाल उपलब्ध कराया जाता है, परंतु विगत 1 वर्ष से सरकार द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिस कारण उनको भोजनालय को बंद करना पड़ा। साथ ही सहयोगी संचालक पुष्पा मेहता ने बताया कि सरकार से आर्थिक सब्सिडी प्राप्त करने के लिए उन्होंने कोटाबाग ब्लॉक कार्यालय सहित देहरादून संबंधित कार्यालय में कई बार संपर्क किया, परंतु वहां से सिर्फ आश्वासन ही प्राप्त हुआ। ये है कि इसके बंद हो जाने से हमें भोजन नहीं मिल पा रहा है, और ये खुला रहता था तो हमें शुद्ध भोजन मिलता था, जिससे हमें इधर उधर जाना पड़ रहा है, वहाँ का भोजन हमें महंगा पड़ रहा है, और यहाँ का भोजन काफ़ी अच्छा होता था, और काफ़ी परेशानी आ रही है हम सभी को, और ये जल्द से जल्द शुरू हो जाए। सरकार से हमारा यही निवेदन है कि इसे जल्द से जल्द खोला जाए और जल्द से जल्द चालू किया। इसका मेन कारण है कि जैसे हमें बताया गया था कि हमें ब्लॉक से भी कुछ परसेंट मिलेगा और कुछ हम लगाएंगे, तब जाके इसको चलाने के लिए बोला था, तो ये समूह द्वारा है। उसके बाद ऊपर से हमें कुछ नहीं मिला, 1 साल तक हमने पूरी कोशिश की और काफ़ी नुकसान हमें हुआ इसमें, और हमें कहीं से कुछ नहीं मिला। हम बहुत आगे तक गए, इसके लिए हमने काफ़ी बात की, लेकिन कहीं से कुछ नहीं मिल पाने की वजह से हमने इसको बंद कर दिया। हमने ब्लॉक से ही बात की थी, ब्लॉक वालों ने बोला था कि होगा बोल रहे थे कि कम मिनिमम आप 6 महीने का इंतजार करो बोला था। हमने 1 साल का किया, हमने 1 साल तक चलाया, और फिर देहरादून भी बात की इस सिलसिले में, तो उन्होंने भी बोला कि होगा, होता है कि, और किसी ने बोला कि बंद हो गया ये पैसा आना जो वहाँ से सब्सिडी मिलती है। नवम्बर से हमने बंद किया है, और सब्सिडी न आने के कारण हमने इसे बंद किया है। हम देखे थे कि सब्सिडी आएगी, 2 महीने चलो 2 महीने रुको बोला हमने ब्लॉक वालों ने, 2 महीने में आ जाएगी, फिर नहीं आई, तो हमने पूरा 1 साल हो गया, हमने अक्टूबर से पूरा कितने अक्टूबर 22 सितंबर से 22 अक्टूबर से 25 नवंबर हमने बंद किया है। तो हमें मिल रहा है कि आएगा पैसा, आएगा कह रहे हैं। हमने देहरादून भी कॉल करी तो भी हमें वहाँ से भी आश्वासन ही मिल रहा है कि आ जाएगा पैसा आपका, आ जाएगा, लेकिन अभी तक तो कोई पैसा नहीं आया है। अभी भी हमसे जनता हमें परेशान कर रही कि खोलो खोलो करके, हम मार्केट जाते हैं तो अब हम जितना था हमारे पल्ले में पैसा हमने लगाया, तो अब क्या करें हम, अब कहाँ से लगाएं।